सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है सबल सैरोलाटा। तो आज हम बात करेंगे सबल सैरोलाटा मेडिसिन को किन किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं, क्या डोजेस लेनी चाहिए, और तो चलिए इसको जानने के लिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टैप कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी नया लाइव सेशन लेकर आते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सबल सैरोलाटा के बारे में। सबल सैरोलाटा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आप कई सारी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। स्पेशली आप इसे यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के यूरिनरी ट्रबल में। जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। नेक्स्ट मेल पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका और फीमेल पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। मैं इसे अलग अलग डिस्कस करूंगी। जनरल सिम्टम्स में है इसके जो सबल सैरोलाटा मेडिसिन है ये आपकी जनरल और सेक्सुअल दोनों तरह की डेबिलिटी पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आप फिजिकली वीक हो तब भी ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, बॉडी बिल्डिंग और टिश्यू डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। जो लोग बहुत ही ज्यादा पतले दुबले हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए है ये। अगर कोई फीमेल बहुत ही ज्यादा लीन थिन है तो वो इस मेडिसिन को यूज करने से बॉडी के अंदर टिश्यू डेवलपमेंट, बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करती है ये मेडिसिन। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलग अलग आपके ऑर्गन्स पे। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे मेल के बारे में। मेल किन कंडीशंस में इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं? अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम या एपिडिडाइमाइटिस की प्रॉब्लम या इन्यूरिसिस की प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, इन सभी कंडीशन में ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीमेल्स के लिए। फीमेल्स अक्सर बहुत परेशान रहती हैं फीमेल लाइक बॉडी के लिए। कुछ फीमेल्स इतनी ज्यादा दुबली पतली रहती हैं कि उनके अंदर फीमेल की तरह बॉडी डेवलपमेंट नहीं दिखता है, वो इस वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है। तरह तरह की मेडिसिन यूज करेंगी और कोई भी उनका कहना चाहिए कोई भी उपयोग नहीं है, कोई उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। लेकिन अगर आप सबल सैरोलाटा यूज करती हैं तो बिल्कुल सबल सैरोलाटा आपके टिश्यू को, आपकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन को प्रमोट करती है ये मेडिसिन। तो जिन औरतों को, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट एट्रोफी की प्रॉब्लम है तो ये मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इन्हेंस करता है, साथ ही साथ बॉडी डेवलपमेंट को भी इन्हेंस करता है। तो आपका पतला दुबला शरीर भी भर जाएगा और आप इसे, जिन लोगों को आप ब्रेस्ट एट्रोफी की प्रॉब्लम है वो सभी इसको यूज कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन में। यूरिनरी ऑर्गन में इन्यूरेसिस के केसेस में क्या बार बार यूरिन आना, पेशेंट को कंटिन्यू बार बार यूरिन आए जा रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, बिस्तर पे ही यूरिन हो जा रही है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, खासतौर पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के केसेस में मेल्स में ये देखने को मिलता है, या फीमेल्स में डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जलन होना, दर्द होना, ऐसा लगता है यूरिन कुछ रुकी रह गई है, पूरी तरह से पास नहीं हुई है।
तो इन सभी कंडीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करती है, एक तरह से कहना चाहिए आपकी ग्लैंड्स पे वर्क करती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे यूरिनरी ग्लैंड ऑर्गन हो, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है इन सभी कंडीशन में। अब हम बात कर लेते हैं आपको इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, इसकी डोजेस क्या होनी चाहिए। आप सबल सेरोलाटा क्यू में यूज करिए, यानी सबल सेरोलाटा का मदर टिंचर आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है, सुबह और शाम दिन में दो बार आप इसे लीजिए, लगभग आधा कप पानी लेना है आपको और उसमें इसकी 15 से 20 बूंद मिलानी है। 15 से 20 बूंद आपको एक बार सुबह लेनी है और एक बार रात में लेनी है, लगभग आधे कप नॉर्मल पानी में, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, नॉर्मल पानी में, गुनगुने पानी में, नॉर्मल वाटर में आप इसे पिए। तो आप जल्द ही, अगर आपको प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम हो, इपिडाडायमेटिस की प्रॉब्लम हो या इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम हो या रात पे न्यूरिसिस की, डिस्यूरिया का या फीमेल्स में ब्रेस्ट एट्रोफी की प्रॉब्लम, सभी में ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल श्री होम पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर लीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोस अपलोड करते रहे तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो फिलहाल मैं डॉक्टर सत्या लेना चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।